हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ अनदर जॉब अपडेट जो कि आती है विप्रो की ओर से। यहाँ पर आपको इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस में वर्क करना है विद बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर कई लोकेशंस दिए गए हैं, तो लोकेशन सुनने के बाद ही आप इस वीडियो में आगे बढ़िए, क्योंकि इनकेस अगर आपका लोकेशन यहाँ पर नहीं रहेगा तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसी और रेगुलर जॉब अपडेट देखना चाहते हैं, डेली ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं लोकेशन बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या लोकेशंस अवेलेबल है। तो अगर आप कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर, ऐरोली, नोएडा, ये सारे लोकेशन से अगर आप रहते हैं तो आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। ये वर्क फ्रॉम होम जब अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस करना है, तो ये नियर बाय लोकेशंस में सारे विप्रो के ऑफिसेज अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली जाके वर्क कर सकते हैं। क्या यहाँ पर आपकी प्रोफाइल रहेगी? तो यहाँ पर आपको इंटरनेशनल बीपीओ एग्जीक्यूटिव का वर्क करना है टेक्निकल सपोर्ट डिपार्टमेंट में। यहाँ पर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी चाहिए होगी। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, तो अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा है तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पर दिया गया है फ्लुएंट इंग्लिश इज मैंडेटरी, विदाउट फ्लुएंट इंग्लिश यू वोंट पास एज यू विल बी नीड टू क्लियर VNA टेस्ट, यहाँ पर आपको क्लियर करना होगा। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो आप इस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ आपका इंटरव्यू भी होगा, यहाँ पर आपको जाके इंटरव्यू भी देना है। इसलिए ये सारे चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये दो चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आप ये लोकेशन से हैं, एंड अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तभी आप इस वीडियो में आगे बढ़िए। यहाँ पर मैं बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता देती हूँ कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो बेसिकली बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो लोकेशन दिए गए हैं, अगर आप उन लोकेशन से रहते हैं तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स एक्सपीरियंस बोथ कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, अगर आपके पास इस फील्ड में कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पर 12th पास नेसेसरी होगा, तो अगर आपने 12th पास किया है, ग्रेजुएटेड हो, अंडर ग्रेजुएटेड हो, तो आप यहाँ पर वर्क कर सकते हो। ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर ग्रेजुएट्स को दिया जाएगा। वर्क में देखिए यहाँ पर जैसे कि ये इंटरनेशनल बॉयज़ प्रोसेस है, तो जो भी इनके क्लाइंट है इंटरनेशनली आउट ऑफ इंडिया, उनसे आपको कनेक्ट करना होगा। उनकी जो डाउट्स होते हैं वो आपको क्लियर आउट करनी होगी। कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का यहाँ पर आपको वर्क करना होगा। डेटा एनालिस्ट नॉलेज आपके पास होना चाहिए। MS एक्सेल एंड MS वर्ड का यहाँ पर आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर वर्क कर सकते हो। टाइपिंग स्पीड यहाँ पर आपको अच्छी चाहिए होगी। यहाँ पर आपकी टाइपिंग स्पीड की टेस्ट की जाएगी, इसी के साथ आपकी इंग्लिश टेस्ट ली जाएगी। ये दो टेस्ट आपको क्लियर करना होगा, प्लस आपको इंटरव्यू क्लियर करना होगा, तभी आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेस के लिए आपकी यहाँ पर सैलरी काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग दी गई है। सैलरी यहाँ पर देखिए, अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपकी सैलरी 2.2 LPA रह सकती है, बट अगर आप ग्रेजुएट है, एक्सपीरियंस है, आपको इस फील्ड में आपने वर्क किया है, तो आपकी सैलरी 1.8 LPA से लेके 2 LPA तक की आपकी सैलरी रह सकती है। तो ये डिपेंड करती है आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, कितना नॉलेज है, आप कितना चीज़ों को अच्छे से अडाप्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी पूरी ट्रेनिंग पीरियड होगी। यहाँ पर जैसे 1 से 2 वीक आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसी के बाद आप यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसी दौरान आपकी स्किल्स देखी जाएगी, कितने अच्छे से आप सारी चीज़ें अडाप्ट कर लेते हैं, नॉलेज कितना अच्छा है, कितना फ्लुएंट इंग्लिश बोल लेते हैं, कस्टमर्स को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। तो इसी बेसिस पर डिपेंड करती है आपकी सैलरी एग्जैक्ट क्या होने वाली है। सैलरी के साथ आपको काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर बेनिफिट्स भी मिल जाती है। बेनिफिट्स में देखिए, यहाँ पर आप 5 days वर्क करेंगे, 2 days आपको रोटेशनल वीक ऑफ दिया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी इंसेंटिव दी जाती है, इंसेंटिव प्लस आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड आपको अवार्ड्स दिए जाते हैं। प्लस यहाँ पर एवरी 6 to 7 months पे आपकी पोजिशन चेंज होती रहती है। अगर आप यहाँ पर अच्छा वर्क करते हैं, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तो यहाँ पर आपकी अपडेटेशन भी की जाती है। तो ये काफी यहाँ पर इंटरेस्टिंग आपको जो कि है बेनिफिट्स मिल जाते हैं। नाउ देखिए यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको एक गूगल फॉर्म दिया है, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किया है, वहां पर आपको अप्लाई करना है। सो जैसे कि आप देख सकते हो विप्रो हायरिंग फॉर्म, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आपको एंटर करना है सबसे पहले आपका नेम, यहां पर आपको नंबर एंटर करना है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंटर कर दीजिए, यहां पर आपको हाई क्वालिफिकेशन क्या है आपको वो एंटर करना है, डॉक्यूमेंट्स यहां पर ऐड करने हैं, अगर आपने प्रायर कहीं वर्क किया, आपको एक्सपीरियंस है, तो अगर नहीं है तो आप यहां पर फ्रेशर लिख सकते हैं, ब्रांड A3 आपको यहां पर सिलेक्ट करना है, करंट लोकेशन आप कहां रहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए, प्रीफर्ड लोकेशन मतलब अगर आपको वो लोकेशन नहीं चाहिए, आप कोई और लोकेशन जाना चाहते हो, मतलब कौन सा ज़्यादा प्रेफरेंस, चेन्नई, हैदराबाद, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको नोटिस पीरियड, देखिए यहाँ ये जो कि है वर्क फ्रॉम ऑफिस है, अगर आप कहीं बाहर हो या फिर अगर आप चाहते हो कि आगे 1 महीने के बाद मुझे ज्वाइन करना है या आप 3 months के बाद ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। बट अगर आप इमीडिएट ज्वाइनर हो, मतलब आपको अगर अभी कॉल आ जाए और आप यू नो 1 week में विद इन अ वीक ज्वाइन कर सकते हो इमीडिएट ज्वाइनर, तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप कहीं पर पहले वर्क करते थे तो वहाँ पर क्या आपकी सैलरी थी, एनुअल सैलरी, वो आप सिलेक्ट
सिलेक्ट कर सकते हो। फ्रेशर हो तो यहाँ पर आप फ्रेशर मेंशन कर सकते हो। ये डिटेल्स ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको दिखता है एक ऑडियो फाइल अपलोड करने का। नाउ ये ऑडियो फाइल क्या है, यहाँ पर आपको आपका इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करना है, सिर्फ आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना है, वीडियो नहीं रिकॉर्ड करना है। ऑडियो रिकॉर्ड करिए और उसे यहाँ पर आपको अपलोड करना है, 1 से 1.5 मिनट का जो कि ऑडियो होना चाहिए। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर रिकॉर्ड करिए एंड उसे अपलोड कर दीजिए। इंग्लिश में ही आपको बोलना है सारी चीज़ें एंड लास्टली आपको आपका रेज्यूम यहाँ पर अपलोड करना है। रेज्यूम अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है जहाँ से ये वैकेंसीज आई है। इंटरनेशनल BPO एग्जीक्यूटिव टेक्निकल सपोर्ट में यहाँ पर आपको वर्क करना है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो HR का WhatsApp नंबर भी आपको दिया गया है, तो आप डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट हो या फिर आप चाहते हो कि सेम डे इंटरव्यू हो जाए आपका, तो एक बार आप इस पर भी कनेक्ट कर सकते हो। अपना CV जो कि है ड्रॉप करके रख सकते हो इनके WhatsApp पे। ज़रूर से जाके अप्लाई करिए। ये थ्रू आउट दी प्रोसेस आपको कहीं पे भी फीस नहीं पे करना है, कोई भी तरीके की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, सिर्फ अप्लाई करके रखिए। एंड अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हैं, डेली ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं या डेली जॉब अपडेट्स देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।